السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيها الروح فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي نفسي بيده فوالذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. अजीज दोस्तों, प्यारे साथियों, माओ बहनों, ख़वातीन इस्लाम, कल की मजलिस में हमने हदीस नंबर 3 की तशरीह सुनी और आज हम हदीस नंबर 4 की तशरीह सुनने वाले हैं। ये हदीस जिसका मतन आपने समाअत फरमाया, ये बहुत ही अहम हदीस है। तकदीर से इसका ताल्लुक़ है। तकदीर के मुताल्लिक़ बहुत सारी अहम बातें और उसके मुताल्लिक़ कवायद हमने हदीस नंबर 2 की तशरीह में, जब अलक़दर बख़ैरिही व शर्रिही की हमने तशरीह की, उसमें हमने पूरी तफसील बता दी। आज हम इस हदीस की रोशनी में तकदीर को समझने की कोशिश करेंगे। ये हदीस का तर्जुमा है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुनाया, जबकि वो सच्चे हैं और उन्हें सच्चाई सुनाई जाती है। उन्होंने कहा कि तुम में से एक आदमी को तुम्हारी माँ के पेट में जमाया जाता है, 40 दिन के लिए वो नुत्फा रहता है, फिर नुत्फे से वो खून का एक लोथड़ा बनता है, जिसे हदीस में आलाका कहा गया। फिर अलका से मुद्गा बनता है, मुद्गा गोश्त के टुकड़े को कहते हैं। फिर वो होता यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मलक भेजते हैं, वो मलक आकर रूह फूंकता है और उसके बाद उसकी तकदीर लिखी जाती है, जिसमें 4 चीजें लिखी जाती हैं। सबसे पहले उसका रिज़्क़ कितना होगा और कितनी मुद्दत जिंदा रहेगा और उसका अमल कैसे रहेगा, वो नेक रहेगा कि बद रहेगा। और अल्लाह की कसम जिसके अलावा कोई माबूद बरात नहीं, तुम में से एक आदमी जन्नतियों का अमल करेगा यहां तक कि वो जन्नत के करीब चला जाएगा। जन्नत में जाने से पहले अल्लाह की तकदीर सबकत ले जाएगी। वो जन्नती जन्नतियों वाला अमल करने वाला जहन्नम में चला जाएगा। और तुम में से एक आदमी जहन्नमियों का अमल करेगा यहां तक कि तकदीर उस पर सबकत ले जाएगी, इतना जहन्नम के करीब हो जाएगा कि वो और जहन्नम के दरमियान सिर्फ 1 हाथ का फासला रहेगा। और उसके बाद जन्नतियों का अमल करेगा, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये अजीज दोस्तों पूरी हदीस जिसका आपने मुख्तसर तर्जुमा सुना है। अब हदीस को देखते जाइए और इसकी तशरीह सुनते जाइए। सबसे पहले अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु इनके ताल्लुक से मुख्तसर चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, जैसा कि उनके ताल्लुक से आता है कि वो 6ठे आदमी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। वो 6ठे आदमी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। बिल्कुल शुरू के दौर में इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इनका ताल्लुक कबीले बनु हुज़ैल से था, जो मक्के के अतराफ व अकनाफ में रहता था कबीला। इनके इस्लाम कबूल करने के बाद बहुत सारे वाक़यात पेश आए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मुश्किल में और हर खुशी में साथ साथ रहे। अबू मूसा अल-अशआरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम यमन से आए थे और हमने अब्दुल्लाह बिन मसऊद को इतनी आसानी के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में आते जाते देखा, यहाँ तक कि हमने समझ लिया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत चाहते थे और बहुत पसंद करते थे, लेकिन ये छोटे पद के सहाबी थे, इनके हाथ पैर छोटे छोटे थे। और एक मरतबा हुआ कि ये एक झाड़ पर चढ़ गए किसी काम के लिए, तो लोगों ने इनकी पिंडलियों को देखकर हंसना शुरू कर दिया कि इतने छोटे छोटे पिंडलियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उधर खड़े थे तो कहा कि लोगों, ये पिंडलियां तो छोटी हैं, लेकिन जान रखो क़यामत के दिन जब तराजू में तोला जाएगा तो ये पिंडलियां बहुत ज्यादा वजनदार होंगी, पिंडलियां ओहद के पहाड़ से ज्यादा वजनदार होंगी। यानी इसके अंदर उतना अमल होगा और इसके अंदर इतना खैर होगा कि ओहद के पहाड़ से ज्यादा तराजू में इसका वजन होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन मसूद के ताल्लुक से कहते थे कि लोगों, चार लोगों से कुरान सीखो, चार लोगों से खुदुल कुरान अन अरबा, चार लोगों से कुरान लो। सबसे पहले इब्न उम्म अब्द, ये नाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन मसूद को पुकारते थे। इब्न उम्म अब्द से लें, मुआद बिन जबल से लें, उबई बिन काब से लें, मौला सालिम मौला अबी हुदैफा से लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार अफराद का जिक्र किया, उनमें सरे पहले जिक्र किया अब्दुल्लाह बिन मसूद को। इनसे कुरान ले, इनसे कुरान सीखें। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम में से कोई आदमी कुरान जैसे उतरा वैसे पढ़ना चाहते हो, तुम में से अगर कोई आदमी कुरान जैसे उतरा वैसे पढ़ना चाहता है, उसे चाहिए कि इब्न उम्म अब्द अब्दुल्लाह बिन मसूद की क़िराअत में पढ़े। और एक हदीस में आप साहब ने कहा कि कुरान जैसे उतरा तरोताज़ा, उस अंदाज से अगर कोई पढ़ना चाहता है तो इब्न उम्म अब्द यानी अब्दुल्लाह बिन मसूद की क़िराअत में, वो उनसे क़िराअत सीखे, उनकी क़िराअत में उसके क़िराअत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हद तक अब्दुल्लाह बिन मसूद की तारीफ की। और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी सहाबी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा इनकी तारीफ की और उसी तरीके से इतने जबरदस्त आलिम थे। इन्हें फकीहुल मदीना कहा जाता है, मदीने के फकीह कहा जाता है, बुलंद पाए आलिम थे। और उसके साथ साथ ये कहते हैं कुरान के सबसे बड़े मुफस्सिर ये हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी इनके बाद, अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने इनसे सीखा है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बिल्कुल छोटे थे, जिनकी उम्र 9-10 साल से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब्दुल्लाह बिन मसूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस हालत में पाए जब ये बाशऊर थे, मामला समझते थे, काफ़ी इनकी उम्र हो गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपनी आंखों से देखा, मसाइल को बहुत अच्छे अंदाज से समझा। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद से अब्दुल्लाह बिन अब्बास सीखा करते थे। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद एक ऐसे मुफस्सिर थे जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अफसोस कि इनकी तफसीरें हम तक नहीं पहुंची। इनकी तफसीरें जो भी पहुंची अब्दुल्लाह बिन अब्बास के जरिए से पहुंची रज़ियल्लाहु। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद बहुत बड़े मुफस्सिर हैं। कहते हैं अल्लाह की कसम, बुखारी की बात है, कहते हैं अल्लाह की कसम, कुरान में ऐसी आयत नहीं जिसके ताल्लुक से मेरे पास इल्म ना हो। कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं जिसके ताल्लुक से मेरे पास इल्म ना हो। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़बानी 70 और बास सूरतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी सीखा है, डायरेक्ट सीखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैंने डायरेक्ट सीखा है, कहते हैं। और कुरान की हर आयत के मुताल्लिक मेरे पास इल्म है। कहाँ उतरी आयत, कैसे उतरी, किस ताल्लुक से उतरी, इसका क्या शान नुज़ूल है, पूरी तफसील मैं जानता हूँ, पूरी की पूरी तफसील मैं जानता हूं। अगर किसी के पास कुरान का इल्म हो जो मेरे पास नहीं, अगर वहां पर सवालियां पहुंच सकती हैं तो मैं सवालियों पर चढ़कर उनके पास गया, मैंने कुरान का इल्म हासिल किया। यानी कुरान के ताल्लुक से मुकम्मल मेरे सीने में अल्लाह ने इल्म डाल दिया, ये कहा करते थे, चैलेंज के साथ कहते थे। और ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से इनका इख्तिलाफ भी था, क्योंकि ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को जिम्मेदारी दी गई कि वो कुरान जमा करें। और अब्दुल्लाह बिन मसूद ने शुरू में कहा कि ये मेरे सामने छोटा बच्चा है, इसके पास लाके मैं मेरा मुसहफ नहीं दूंगा मैं। बहुत दिनों तक नहीं दिए, बाद में सहाबा ने कहा तो उन्होंने इत्तेफाक की वजह से दे दिया, वरना ज़ैद बिन साबित को कहते थे कि छोटा बच्चा है मेरे सामने, ये मेरे से क्या मुकाबला करे। और सही बात, उनका इतना बड़ा मर्तबा था कि ज़ैद बिन साबित उनके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन क्यों ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को कुरान जमा करने की जिम्मेदारी दी गई जबकि अब्दुल्लाह बिन मसूद जिंदा थे? क्या वजह थी? बहुत ही अहम वजह, ये कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अल-अर्दुल अखीर में साथ नहीं थे। अल-अर्दुल अखीर कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफा से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे हदीसों में आता है कि जिब्राइल को दो मरतबा कुरान सुनाया, जिब्राइल को दो मरतबा कुरान सुनाया और सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर दो मरतबा तीन मरतबा लोगों ने कुरान सुनाया। ज़ैद बिन साबित ने अर्दुल अखीर में हिस्सा लिया और पूरा कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुना और सुनाया। ये मौका अब्दुल्लाह बिन मसूद को नहीं मिला, ये मौका अब्दुल्लाह बिन मसूद को नहीं मिला क्योंकि कुरान के आखिरी जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतों में तब्दीली की, सूरतों में तब्दीली की, आगे पीछे किया और कुरान को फाइनल टच दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें अब्दुल्लाह बिन मसूद नहीं थे, इसीलिए ज़ैद बिन साबित को यह मौका दिया गया क्योंकि ये आखिरी मौके पर रहना जरूरी था, क्योंकि आयत नाजिल हुई, मुख्तलिफ आयत नाजिल हुई, सूरतों में आती थी, इसकी तब्दीली हुई। तो ये तब्दीली से वाकिफ ज़ैद बिन साबित थे, अब्दुल्लाह बिन मसूद नहीं थे, इसीलिए ज़ैद बिन साबित को जिम्मेदारी दी गई, वरना ज़ैद बिन साबित अब्दुल्लाह बिन मसूद के सामने मुकाबला नहीं कर सकते। इल्म एतबार से, हर एतबार से ये इनका इल्म था और फिक्ह में बहुत बड़े इमाम थे। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फिक्ह अब्दुल्लाह बिन मसूद के फिक्ह पर मबनी है क्योंकि अब्दुल्लाह बिन मसूद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बाद में सहाबा के जमाने में इन्हें कूफा का गवर्नर बनाया गया और वहां एक मुद्दत तक रहे और वहां पर इन्होंने अपने शागिर्दों का बहुत बड़ा हलका बनाया और वहां पर इन्होंने तफसीर की बुनियाद डाली। तफसीर के तीन मदरसे हैं, कुरान की तफसीर की तीन मदरसे हैं। एक मदरसा कूफा में था, एक मदरसा मक्का में था और एक मदरसा मदीने में था। और जो कूफा में मदरसा था तफसीर का, उसके बानी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु थे और उनके शागिर्द में बहुत सारे अलकमा वगैरह मशहूर है। और उसके बाद मक्के में जो तफसीर का मदरसा था उसके बानी हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु और इनकी शागिर्दों की अनगिनत थी। मुजाहिद हो गए और उसके बाद क़तादा रज़ियल्लाहु हो गए, ये सब है ना अब्दुल्लाह बिन अब्बास के शागिर्दों में थे। और उसी तरीके से मदीने में उबई बिन काब का मदरसा था और उनके शागिर्दों में भी बहुत सारे ताबईन हैं। तो ये तीन तफसीरों के मदरसे में सबसे पहला मदरसा अब्दुल्लाह बिन मसूद का था जो कूफे में था और कूफे में जितने भी लोग थे सब अब्दुल्लाह बिन मसूद से इल्म हासिल किया और अब्दुल्लाह बिन मसूद ने जिन्हें इल्म सिखाया उनसे अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सिखाया। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे सिखाया या फिर उनके शागिर्दों के शागिर्द, यानी समझिए कि अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्दों के शागिर्दों के पास अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सीखा। इसीलिए हम देखते हैं कि आम तौर पर इमाम अबू हनीफा के मसाइल अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के आरा पर मबनी होते हैं। तो ये था अब्दुल्लाह बिन मसूद, इल्म में बुलंद मर्तबा, तक़वा में बुलंद मर्तबा और उसके साथ साथ दावती ऐसा जज्बा था, लोगों को तालीम देने का ऐसा जज्बा था, अल्लाह अकबर मर मिट जाते थे तालीम देने के लिए। एक मरतबा घर में थे, इनके शागिर्द ने आकर खबर दी कि मस्जिद में बाज लोग बैठकर एक नया अमल कर रहे हैं, चलिए अबू अब्दुर्रहमान चलकर देखें कि अमल की क्या हकीकत है। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद फौरन दौड़ते हुए मस्जिद में आते हैं कूफा में, देखते हैं कि एक साहब बैठे हैं, अपने हाथों में कंकरियां रखे हुए हैं और उनके आसपास लोग बैठे हुए हैं और एक साहब एक कंकरी गिराते कहते कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, सब मिलकर ला इलाहा इल्लल्लाह कहते। अब्दुल्लाह बिन मसूद दाखिल हो गए, कहा कि उठो, क्या कर रहे हो, मजाक कर दिया तुमने, अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस्तेमाल करदा चीजें अभी तरोताजा है, उनके कपड़े ताजा हैं और तुम लोगों ने बिदातें शुरू कर दी, तुम लोगों ने बिदातें शुरू कर दी। कहने वाले ने कहा तो हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं। कहा कि यह अमल नहीं था मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अमल नहीं था, आप चाहे जो भी कर लो, ये अमल मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में नहीं था, अगर तुम करोगे तो बिदात में शुमार। तो उन्हें फौरन उठाया और धक्के देके भगा दिया और अब्दुल्लाह बिन मसूद को कौन पूछ सकता है ना, बहुत बड़े इमाम, धक्के देके बाहर निकाल दिया, कहा लोगों से कि देखो बिदात के लिए इस्लाम में जगह नहीं। और इनका मशहूर मक़ला या अय्युहन्नास इत्तबिउ वला तबतदिउ फक़द कुफीतु, कहा करते थे ऐ लोगों इत्तिबा करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, बिदात ईजाद मत करो, नई नई चीजें ईजाद मत करो, क्योंकि जिसमें इत्तिबा है वो तुम्हारे लिए काफी। फकद कुफीतु, तुम्हें जो चाहिए वो सिखा दिया गया है, अब नई चीजों की इजाद करना किसकी क्या जरूरत है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके ताल्लुक से बहुत सारी तफसील आई, मैं समझता हूँ कि ज्यादा तफसील में जाने का मौका नहीं है। तो ये मुख्तसर इनके हालात हैं। और 32 हिजरी में मदीने में वफात हुए, बकी में इन्हें दफन किया गया। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रिवायत करते हैं, कहते हैं, ये हदीस का ऊपर सनद देखिए, उसमें अब्दुल्लाह बिन मसूद قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق। यहाँ पर अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि हद्दसना, हद्दसना एक सीगा, इसे कहते हैं सीगतु तहम्मुल। जब अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा उस वक्त ये इल्म मुकम्मल नहीं हुआ था, आगाज में था। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद का हद्दसना कहना, बाद मुहद्दिसीन ने हद्दसना के लफ्ज को सबसे ज्यादा ग्रेड दिया, कहा कि अगर कोई मुहद्दिस दूसरे मुहद्दिस से हद्दसना के जरिए से रिवायत करता है तो ये सबसे पुख्ता तरीका है रिवायत करने का। बाद लोगों ने कहा हद्दसनी, और आप देखेंगे अखबराना, अखबरनी, ऐसे दूसरे सीगे हैं जिन्हें सीगतु तहम्मुल कहा जाता है। ये इल्म मुस्तलह और हदीस में इसे तफसील से पढ़ते हैं, यहाँ पर सिर्फ इशारा करना मकसूद है। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने सबसे पहला हद्दसना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें सुनाई बात, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें ये बात सुनाई। और साथ साथ देखिए रसूलुल्लाह कहने के बाद कहते हैं वह अस्सादिकुल मस्दूक। अहादीस पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप मतन को फॉलो करते जाएं, बात सुनते जाएं, आपके हाथ में जो किताब है इसे फॉलो करते जाएं। ये कोई बयान नहीं आप देखते रहें और उसके बाद ऐसा मामला नहीं, आप फॉलो करते जाएं, हर लफ्ज को समझने की कोशिश करें, हर लफ्ज का माना। तो देखिए रसूलुल्लाह कहने के बाद कहा वहुव अस्सादिकुल मस्दूक, वहुव अस्सादिकुल मस्दूक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दो सिफतों का एक खास जिक्र कर रहे हैं, जबकि आमतौर पर हम नहीं देखते। आमतौर पर देखते हैं जैसे इससे पहली वाली रिवायतों में बात आई, समिअतु रसूलुल्लाह, क़ाल रसूलुल्लाह, क़ाल नबीय्यु, अन नबीय्य, अन रसूलुल्लाह, यही सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने दो सिफतों का जिक्र किया, कहा वहुव अस्सादिकुल मस्दूक। अस्सादिक का माना जो सच्चा है, सच कहता है, इसे कहते हैं अस्सादिक। जो सच कहता है उसे कहते हैं अस्सादिक, ये माना मशहूर मारूफ है। मस्दूक का क्या माना? मस्दूक का माना ऐसा आदमी जिसे सच्ची खबर दी जाती, ऐसा शख्स जिसे सच्ची खबर दी जाती, उसे कहते हैं अल मस्दूक। अस्सादिक सच कहने वाला, अल मस्दूक सच्ची खबर जिसके पास पहुंचती है वो। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा कि ये सच्चे हैं और इन्हें जो खबर दी गई वो भी सच्ची। क्यों अब्दुल्लाह बिन मसूद ने ये दो सिफतों का जिक्र किया? आखिर क्या मकसद था? मकसद ये था कि इसके बाद जो हदीस आ रही है इसका ताल्लुक इल्म गैब से। उस जमाने में जब ये हदीस सुनाई जाए तो हो सकता है कि शक करने वाला शक करे। रहम की बातें हो रही है, मां के पेट के अंदर की बातें हो रही है, दिलों की बातें हो रही है, तकदीर की बातें हो रही हैं। तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि आदमी शक में मुबतला हो जाए। तो पहले से अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कह दिया, देखो रिवायत सुना रहा हूं, लेकिन याद रखना ये रिवायत सुनाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं जो सच्चे हैं, और उन्हें जो खबर सुनाई जाती है वो क्या है? सच्ची है ना? पहले से आपके लिए उन्होंने फाउंडेशन डाला, देखो शक की कोई गुंजाइश नहीं, अब शक मत करो। ये माना है अब्दुल्लाह बिन मसूद का। तो कहा वह अस्सादिकुल मस्दूक। उसके बाद हदीस का आगाज होता है, कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अहदकुम युज्मअु खल्कुहु फी बतनि उम्मिही 40 यौमन नुत्फा। तुम में से हर आदमी अपनी मां के पेट में उसे जमा किया जाता है, उसकी खिलकत को जमा किया जाता है 40 दिन में, जब वो नुत्फे की शक्ल में होता है। नुत्फा कहते हैं अजीज दोस्तों पानी के एक हिस्से को, पानी के बूंद के मजमुए को, पानी का जो बूंद होता है उसे आप जोड़ देंगे तो उसे कहते हैं नुत्फा। ये जो नुत्फा होता है ये जैसे मालिक बिन हुवैरिथ की रिवायत में आया है, जिसे तबारानी वगैरह ने रिवायत किया है, कि जब अल्लाह चाहता है तो शौहर बीवी से मिलता है तो बीवी के पेट में हमल ठहरता है। ये शुरू में असल में पानी होता है, अल्लाह के हुक्म से जो औरत के पूरे जिस्म में सरायत कर जाता है, रगों में, जिस्म के हर हिस्से में ये पहुंचता है, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे जमा करता है। जैसे ही जमा होता है, जैसे ही रहम को पानी पहुंचता है तो सारे जिस्म में फैल जाता है और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे जमा करता है। इसीलिए देखिए हदीस में कहा गया है युज्मअु खल्क़ु, है ना, उसकी खिलकत को जमा किया जाता है। क्या मतलब जमा करने का? माना ये कि ये पूरे जिस्म में फैला हुआ था, ये पानी पूरे जिस्म में फैल जाता है, पूरे जिस्म में इसका हिस्सा चला जाता है, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जमा करता है। बाज़ रिवायतों में आता है कि शुरू के 7 दिन में ऐसा होता है, शुरू के 7 दिन में ऐसा होता है। और ये इसकी शक्ल कैसी होती है? कफ की शक्ल होती है, यानी कफ को अगर एक जगह आप जमा कर देंगे छोटे एक छोटे कंकरे की शक्ल में, तो उस शक्ल से ये होता है, कफ की शक्ल होती है शुरू के 7 दिनों। इसी को कहते हैं नुतफा, इसी को कहते हैं नुतफा, पानी के बूंद का मजमुआ। आप सासल ने कहा कि 40 दिन तक इसी शक्ल में रहता है। सुभान अल्लाह, हम और आप पहले थे ही ऐसे, हम में सारा आदमी ऐसा ही था। अल्लाह अकबर। इसे अल्लाह कुरान में कहता है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन थुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन थुम्मा खलक़ना नुतफ़ता अलक़तन फ़खलक़ना अलअलक़ता मुद्ग़तन फ़खलक़ना अलमुद्ग़ता इज़ाम थुम्मा कसवना अलइज़ाम लहमा थुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ल्क़। कितनी ज़बरदस्त आयत है। अल्लाह कहता है कि बिलाशुबा हमने इंसान को मिट्टी से हमने बनाया, खालिस मिट्टी से हमने बनाया। ये पहले था क्या? पहले नुतफे की शक्ल में था, एक महफूज जगह, नुतफे की शक्ल में था एक महफूज जगह। फिर हमने इस नुतफे को अलाका बनाया। अलाका कहते हैं गोश्त के लोथड़े, अलाका कहते हैं खून के लोथड़े। पहले पानी की शक्ल में होता है, फिर अलाका बनता है। अलाका कहते हैं खून के लोथड़े, यानी खून जब क्लॉट हो जाता है, खून जब जमा हो जाता है, तो आप देखते हैं ब्लड क्लॉट जब हो जाता है जिसमें, तो उस शक्ल में होता है। तो पहला पानी का शक्ल, उसके बाद खून का शक्ल, इसी को अलाका कहते हैं। फिर अलाका से अल्लाह कहता है कि हमने मुर्गा बनाया। मुर्गा कहते हैं गोश्त के टुकड़े को। पहले पानी के बूंद का मजमुआ जो कफ की शक्ल में होता है, फिर ये एक खून का लोथड़ा, खून का शक्ल, खून ब्लड क्लॉट जैसे बनता है, और उसके बाद फिर गोश्त का शक्ल इख्तियार करता है। इसी को मुद्गा कहते हैं। मुद्गा को मुद्गा इसलिए कहते हैं मदगा यमदगा, मदगा यमदगा, मदगन कहना अरबी में चाबने कहते हैं, चीप चाबने कहते हैं। यानी ये गोया कि एक आपके निवाले के सेज का होता है, इसीलिए इसे मुद्गा कहते हैं। एक निवाले के इसकी जो है इसका साइज होता है, एक निवाले के हजम में होता है, इसी को मुद्गा कहते हैं। अल्लाह कहता है देखिए मुद्गा फखलक़ना मुद्गता इज़ामन, मुद्गा के बाद का दूसरा माना क्या है? हड्डियां निकल आती है, और जैसे हड्डियां निकल आती है फकसवना इज़ाम लहमा, हमने इन हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया, हमने इन हड्डियों पर गोश्त पहना दिया। कसौना, कसौना कहते हैं पहनाने को, कसौना कहते हैं पहनाने को। भाई इसका एक अच्छा खासा इंतजाम करें, परेशान कर रहा। तो फकसवना अलइज़ाम लहमन, यानी हड्डियों में हमने गोश्त चढ़ा दिया। उसके बाद क्या है? सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, और जैसे ही हड्डियों में गोश्त चढ़ा दिया जाता है तो उसके बाद एक मुस्तकिल मखलूक बन जाता है। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन, और वो मुक़द्दस है ज़ात जो सबसे बेहतर बनाती है, बनाने वालों में सबसे बेहतर बनाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की इस आयत में 7 मरहलों का जिक्र किया। कितने? 7 मरहलों का जिक्र किया। पहला मरहला नुतफा, उसके बाद अलाका। नुतफा आपने सुना पानी के बूंद का मजमुआ। अलाका कहते हैं अलाका यअलिक़ु अलक़न, और अलक़तन लग जाने को कहते हैं। ये जब अलाका की शक्ल में होता है, यानी खून का क्लॉट होता है, खून की शक्ल में होता है, तो रहन से लगा हुआ रहता है, इसलिए इसे अलाका कहते हैं। रहम कहते हैं बच्चेदानी को, जहां बच्चा बनता है। अजीब और गरीब इल्म है, अजीब और गरीब इल्म है। अभी इस इल्म की तरक्की हुई जिसे एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में कब का इसकी तफसीर सुना दी, मोहम्मद रसूलुल्लाह इसकी तफसीर कब से सुना दी। तो ये अलाका रहम की शक्ल में लगा हुआ रहता है। उसके बाद मुद्गा बनता है, तो कितना हो गया? 3। उसके बाद मुद्गा के बाद हुआ हड्डियां। इस मुद्गे में, मुद्गा कहते हैं गोश्त के टुकड़े, उसमें हड्डियां चढ़ती तो 4, और उसके बाद हड्डियों पर नहीं, हड्डियां 5 हो गए ना, नहीं ने सुलालतुम मिन तीन, मिट्टी, मिट्टी से हमने बनाया। पहला मरहला मिट्टी, उसके बाद मरहला नुतफा, उसके बाद का मरहला अलक़, उसके बाद का मरहला मुद्ग़ा, उसके बाद का मरहला हिड्डिया, हिड्डियों के बाद का मरहला गोचे, और उसके बाद मुस्तकिल मखलूक सात। तो कुरान की इस आयत में सात स्टेजेस का जिक्र है, सात स्टेजेस का जिक्र है। और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें तीन स्टेजेस का जिक्र किया, जिसमें असल में बच्चा बनता है, असल में बच्चा बनता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा कि पहले 40 दिन नुतफा रहता है, उसके बाद फिर दूसरे 40 दिन यह अलाका बनता है। अलाका आपने सुना, गोश्त के लोथड़े, खून के लोथड़े कहते हैं, खून का टुकड़ा। फिर जैसे ही दूसरा तीसरा 40 का हिस्सा आता है तो ये मुद्गा बनता है, ये मुद्गा बनता है। तो 3 40 कितने हो गए? 120 कितने महीने हो गए? 4 महीने। तो माँ के पेट में 3 मरहले पार करने के बाद 4 महीने के बाद, 3 मरहले पार करने के बाद 4 महीने हो जाते हैं। और जब 4 महीने हो जाते हैं होता क्या है? फयुरसलु इलैहि मलक, मलक को अल्लाह रब्बुल इज्जत भेजता है। और मलक आता है, फरिश्ता आता है। आने के बाद इसमें सबसे पहले करता क्या है? रूह फूंकता है। क्या फूंकता है? रूह फूंकता है। ये रूह, अल्लाह यस्अलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, आपसे पूछते हैं रूह क्या चीज है? कह दीजिए ये रूह अल्लाह का हुक्म है। एक दूसरे कहा गया उमा ओतीतु मिनल इल्मी इल्ला कलीला, आप लोग खामखा उन चीजों में क्यों पढ़ते हैं जिसके ताल्लुक से नहीं दिया गया। माना ही उमा ओतीतु मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें बहुत कम मालूम है, तुम्हारे मालूमात बिल्कुल महदूद है। उन चीजों को जानने की क्यों कोशिश करते हो जो तुम नहीं कर पाते? यही माना है सलोना काली रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, तुम्हें रूह के ताल्लुक से पूछा जाता है। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप कह दीजिए कि रूह अल्लाह का हुक्म है, आप इसमें खामखा दखल अंदाजी क्यों करते हो? दखल अंदाजी करने का तुम्हें क्या हक है? ये माना है इसका। तो इंसान नहीं जान सकता। लोगों ने इसे जानने की कोशिश की तो अजीब व गरीब मुगालतों में फंस गए, अजीब व गरीब हरकतें की, अजीब व गरीब बातें लिखी। लोगों ने परेशान होकर आखिरकार कह दिया कि हम समझ नहीं सकते। पहले कह देना अच्छा था। इतनी मुद्दत गुजारने के बाद अल्लाह ने पहले ही कह दिया कि इसके बारे में आप नहीं जानते। बाद लोगों ने कहा कि रूह क्या है? रूह जैसे हम ऊंचे होते हैं, हमारा कद छोटा होता है, हमारी चमड़ी का रंग होता है, ऐसे रूह इंसान का एक सिफत है। बाद लोगों ने कहा कि रूह असल में खून को कहते हैं। बाद लोगों ने कहा कि रूह जान को कहते हैं। बहरहाल आज तक किसी को नहीं मालूम ये रूह क्या है। आदमी लेटा हुआ है, रूह कब्ज हो गया, बस मुर्दा हो गया। कौन सी चीज निकल गई, क्या चीज थी उसके अंदर, नहीं मालूम। रूह कब्ज होने के बाद आदमी वजन ज्यादा हो जाता है। सुभान अल्लाह, कोई चीज निकल जाने के बाद आदमी को वजन कम होना चाहिए, लेकिन जैसे ही रूह निकल जाती है वजन ज्यादा हो जाता है। अजीबोगरीब मामला है। और रूह के मामले को किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। इब्न तैमिय्याह रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जिसका नाम किताब रूह। अब इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी। 21 मसलों में उन्होंने बहस की। बहुत ही मुफीद किताब है और ऐसी बातें उन्होंने लिखी। बाज़ लोगों ने कहा कि इब्न क़य्यिम की किताब होने से इब्न क़य्यिम की बातें नहीं हो सकता है, तो क्योंकि बाज़ बातें उन्होंने फलसफी और मंतिकी उसमें उन्होंने जिक्र किया तो लोगों ने यहाँ तक इनकार कर दिया। लेकिन हकीकत यह है कि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, वो उसलूब इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का है और मनहज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का है। बाज़ लोगों ने समझने में मुग़ालता किया। हो सकता है कि बाज़ उनकी राय हो जो हक के खिलाफ हो, दलील की बुनियाद पर उन्होंने अपनी राय दी, लेकिन हमें इब्न क़य्यिम की तकलीद तो नहीं करनी है, दलील की बुनियाद पर उनकी तबाह करनी है। बात गलतियाँ इंसान करता है। तो रूह सुभान अल्लाह, आप सो जाइए घर में है आप अपने घर में, लेकिन लम्हा भर आप स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, लम्हा भर आप जर्मनी चले जाते हैं, लम्हा भर सारी दुनिया घूम कर आते हैं। आप अपने बिस्तर में, किसी से झगड़ा हो गया, ख्वाब में देखा, खूब मार दिया, फिर उठे, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह राहत होगी, है ना। ये रूह अजीब व गरीब इसका मामला है। किसी ने इसे अब तक समझा नहीं। बेहतर इसी में है कि इसे ना समझे, समझने की कोशिश करके परेशान ना हो। एक चीज है, अल्लाह ने कह दिया कि इसकी तफसील तुम नहीं जान सकते, तो बेहतर यह है कि हम इसे ना जाने। इसीलिए आलम अरवाह की बातें हमें समझ में नहीं आती और बहुत सारी बातें क़यामत कायम होने के बाद जो वहां पर इवेंट्स पेश आएंगे समझ में नहीं आती। जब तक कि हम वहां नहीं जाते पूरी तफसील हमको नहीं मालूम, क्योंकि आलम अरवाह मुख्तलिफ आलम है, हम इस दुनिया में रहकर उसकी तफसील नहीं जान सकते। बहरहाल तो मलक को भेजा जाएगा, फरिश्ते आएंगे और फरिश्ते रूह फूकेंगे, फरिश्ते रूह फूकेंगे। अब यहाँ पर देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में कहा फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, फी अय्य सूरतिन मा शाअ रक्बक। मालिक बिन हुवैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब, जैसे आपने सुना, अल्लाह का हुक्म होता है तो मियाँ बीवी मिलते हैं, अल्लाह चाहता है तो रहम में बच्चा ठहरता है, हमल ठहरता है, और उसके बाद 7 दिन के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जमा करता है। लेकिन ये मामला आदम के साथ नहीं हुआ, ये मामला आदम अलैहिस्सलाम के साथ नहीं हुआ। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कुरान की आयत पढ़ी फी अय्य सूरतिन मा शाअ रक्बक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में कहा कि हम जैसे चाहते हैं वो सूरत इस पर चढ़ा देते हैं, जैसे चाहते हैं वो चेहरा उस पर चढ़ा देते हैं। और दूसरी जगह कहा वहु लज़ी युसव्विरु फिल अरहाम मा यशा, वो है जो रहमों में, माँ के बच्चे दादियों में चेहरों को बनाता है, चेहरों को बनाता है। और हम ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत मालूम है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 काम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हाथों से किया, 3 काम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हाथों से किया। पहला काम, जन्नत को अल्लाह ने अपने हाथों से सुवारा है, अल्लाह अकबर, जन्नत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हाथों से सुवारा है। देखिए कितनी मोहब्बत है बंदों से। आप अपने घर में मेहमान आता है तो आप मेहमान का इस्तकबाल करते हैं, है ना, तैयार करते हैं, घर सजाते हैं, सुंवारते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए जन्नत को सुंवारा है और अल्लाह ने जन्नत के झाड़ों को अपने हाथों से गाड़ा है। और जैसे ही जन्नती जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां पर उनके लिए बहुत सारी नेमतें रखा है। सबसे पहले उन्हें मच्छी की तिल्ली दी जाएगी और दरवाजों में दाखिल होना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दरवाजे में जब लोग दाखिल होंगे उनके चेहरे 14वीं रात जैसे चमकेंगे, यानी अजीब व गरीब इस्तकबाल होगा। यानी शुरू में ही आदमी पूरी तकलीफों को भूल जाएगा, खुशी पर खुशी, शादमानी पर शादमानी, यहाँ नियामतें देख के जाएगा तो आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात है ना। जैसे आप किसी बादशाह से मिल जाते हैं, बादशाह थोड़ी गेट के पास खड़ा रहता है ना, सबसे पहले आपका इस्तकबाल होता है, आपको लेने के लिए लोग आते हैं, फिर लेकर जाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तैयार करते हैं, है ना, पाउडर वाउडर लगा के आपको तैयार करते हैं ताकि बादशाह के सामने जाए तो आपकी सूरत बदसूरत ना हो, है ना। ऐसा होगा, ऐसे होता है। आप किसी बस्ती के बादशाह से मिलने जाएंगे तो होता है बादशाह, है ना, आप अच्छे चेहरे के साथ बादशाह के सामने। उसूल होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं बादशाह से मिलने के लिए, प्रोटोकॉल। आप सीधे ऐसे ही चले नहीं सकते, है ना, लिबास को देखा जाता है, आपकी जबान को देखा जाता है, बहुत सारे अजीब गरीब लोग चीजें देखते हैं। तो उसी के साथ जन्नत में आप जन्नती जाएंगे तो फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं मिलेंगे, इस्तकबाल होगा, ये खिलाया जाएगा, वो खिलाया जाएगा, वो दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, अजीब व गरीब मनाजिर देखने को मिलेंगे, खुशियां पर खुशियां, बहत्तर गुने सब देखने। आखिरी में सबसे छोटी लज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत की दीदार है। तो अजीज दोस्तों, मैं बता रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, है ना, कहाँ थे हम? हाँ, 3 चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हाथों से। पहला, अल्लाह ने जन्नत को संवारा। नंबर 2, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौरात को अपने हाथों से लिखा, तौरात को अपने हाथों से लिखा मजमूआ दिया गया, इसे तौरात कहा गया, लिखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया था मूसा अलैहिस्सलाम को। मूसा ने, अल्लाह जैसा कुरान में कह रहा है, वो कतबना लहुम फिल अलवाह, हमने उन्हें तख्तियों में लिख कर दिया, तख्तियों में लिख कर दिया। अल्लाह तख्तियां लेकर मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पास पहुंचे तो देखा बनी इसराइल बछड़े की इबादत कर रहे हैं, क्या काम कर कर हम आए और अब तुम क्या कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास अभी अभी हमने 10 कमांडमेंट्स लिया। आपने कभी 10 कमांडमेंट्स पढ़ा है? मैंने पढ़ा है। 10 कमांडमेंट्स में आप देखेंगे 10 अहकाम हैं, उसमें 3 से 4 जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत तौहीद का जिक्र कर रहा है। गरचे कि इनके पास है, अल्लाह बेहतर जानता है कि उसमें कितना हक है, लेकिन 3 से 4 जगह अभी भी अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए उसका जिक्र है। वो 10 अहकाम में भी 3 से 4 ऐसी जगह है जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत तौहीद का जिक्र कर रहा है। अल्लाह तो लिख कर दिया गया। और तीसरी चीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम के चेहरे को अपने हाथों से बनाया। ये जो चेहरा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हाथों से बनाया है, इसीलिए चेहरा क्या है, ऑल इन वन है, 2 in 1, 3 in 1 है, ऑल इन वन है। इसी चेहरे में आपको अल्लाह ने आंखें रख दी, मुंह रख दिया और नाक रख दिया, कान, दिमाग सब इसी में काम खत्म, है ना। चेहरे को अल्लाह ने इंसान के अजीब वगैरह बनाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चेहरे को ऐसे बनाया, ये चेहरा वाहिद चेहरा है तमाम चेहरों में जो सजदा कर सकता है ना। जानवरों को देख के आंखें सर में है, लेकिन हम इंसान हैं, हमारे चेहरे में अल्लाह ने आंखें रखी, नाक अल्लाह ने चेहरे में बनाया, और हम सबसे मुनासिब मखलूक हैं जो सजदा कर सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा मखलूक नहीं सजदा कर सकता है। आप कहेंगे चिम्पांजी, बांदर, उसके हाथ ऐसे होते, सजदा नहीं कर पाता, पूरा उसका हाथ पैर उल्टा होता है, सजदा नहीं कर सकता। दूसरा कोई ऐसा जानवर नहीं जो सजदा कर सकता है, सिर्फ इंसान की। इसीलिए इस चेहरे को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। तो अजीज दोस्तों, चेहरे को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया और कुरान की आयत में अल्लाह ने कहा कि चेहरे को हम बनाते हैं, चेहरे को चढ़ाते हैं। तो ये कब होता है? अहले इल्म ने इख्तलाफ किया कि कब होता कब है ये। जब नुतफा है तब होता है, अलाका है तब होता है, या फिर मुद्गा जब होता है तब होता है, या फिर तब होता है जब इसके ऊपर हड्डियां चढ़ा दी जाती है, उसके ऊपर गोश्त चढ़ा दिया जाता है। कब चेहरे की तस्वीर होती है, कब चेहरे को बनाया जाता है, तस्वीर कशी कब होती है? मुख्तलिफ रिवायतें आई। मालिक बिन हुवैरह की रिवायत में आप देखेंगे तो मालूम होता है कि नुतफा जब है तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत चेहरे तस्वीर कशी हो जाती है। उसके बाद हुदैफा बिन उसैद, मुस्लिम की रिवायत है, उसमें मालूम यह होता है कि जब 42 दिन हो जाते हैं, जब 42 दिन हो जाते हैं, आप शासन कहते हैं कि जब 42 दिन हो गए, 42 डेज हो गए, तो उसके बाद होता यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस खून के उस लोथड़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले आंखें, देखना, सुनना, उसके बाद चमड़ी, उसके बाद गोश्त, उसके बाद हड्डी बनाता है, उसके बाद रूह फूंकी जाती है, उसके बाद मलक अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछते हैं कि अल्लाह ये बच्चा है कि बच्ची है। जवाब मिलने के बाद उस पर अमल होता है। फिर पूछते हैं कि अल्लाह इसे कितना रिज्क है, अल्लाह जवाब देता है। फिर पूछते हैं कि अल्लाह इसका क्या अमल होगा, बता दिया जाता है। फिर कहते हैं कि अल्लाह कितनी मुद्दत तक जिंदा रहेगा, बता दिया जाता है। और उसके बाद मलाइका तमाम बातों को सहीफे में लिखते हैं, लिखकर अपने पास रख लेते हैं। इसमें से कुछ भी तब्दीली नहीं होती, इसमें से कुछ भी तब्दीली नहीं होती। यह हुदैफा बिन उसैद की हदीस है। इस हदीस से बात मालूम हुई कि शक्ल कब दी जाती है? दूसरे 40 में। पहले वाले हदीस मालूम हुआ कि पहले नुत्फे के मरहले में शक्ल दी जाती है। इस हदीस से मालूम हुआ कि अलका के मरहले में शक्ल दी जाती है। और बाज दूसरी रिवायतों से मालूम होता है कि मुद्गा के शक्ल में दी जाती है। और मुद्गा की दो किस्में, कुरान ने कहा मुद्गा की दो किस्में हैं। देखिए अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बअथ فإنا خلقناكم من تراب ثم خلقناكم من نطفة ثم خلقناكم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة जब मुद्गा का मरहला आता है, अब यहाँ पर होता यह है कि मुद्गे के मरहले में सर, हाथ, पैर पूरे बनना शुरू हो जाते हैं। तब वहां पर आकर वो इंसान बनता है। अब यहाँ पर कभी होता है कि मुद्गे में आकर जम नहीं पाता तो साकित हो जाता है। जब साकित हो जाता है, जमता नहीं, इसी को कुरान ने कहा गैर मुखल्लका। जब जम जाता है तो कुरान ने कहा मुखल्लका। तो मुखल्लका जब होता है तो उसके बाद रूह फूंकी जाती है। गैर मुखल्लका यानी हाथ पैर नहीं बने तो उसके बाद रहम से बाहर गिर जाता है, इसीलिए हमर गिर जाता कहते हैं। इसी मरहले में वो चीज होती है। तो अजीज दोस्तों, तो बात ये ऐसी महसूस होती है बाज़ रिवायतों में कि ये चेहरा शक्ल तीसरे 40 में दिया जाता है। तो मुख्तलिफ रिवायतें आती है। नुतफा के ताल्लुक से भी रिवायतें आई कि नुतफा में शक्ल दी जाती है। अलाका के ताल्लुक से भी रिवायतें आई कि अलाका में भी शक्ल दी जा सकती है। और मुखल्लका के ताल्लुक से भी रिवायतें आई है कि यहाँ पर भी शक्ल दी जाती है। अल्लाह ही बेहतर जानता है। ऐसे महसूस होता है कि लोगों के ताल्लुक से हर आदमी का मुख्तलिफ होता है। कभी होता है कि पहले नुतफे में ही फैसला हो जाता है, कभी हो सकता है कि अलका में हो, कभी मुद्गा में हो। सबके लिए इधर एक ही स्टैंडर्ड नहीं, एक ही मेयार नहीं, बदलते रहता है। किसी को नुतफा तो किसी को अलका, किसी को मुद्गा। अल्लाह ताला यही बात समझ में आती है, यानी इस मरहले में शक्ल दी जाती है, इस मरहले में शक्ल दी जाती है। उसके बाद देखिए मलक आते हैं तो रूह फूंकते हैं। जैसे ही जिसमें रूह फूंकी जाती है तो वो इंसान बन जाता है। ये कब होता है? 4 महीने के बाद। 4 महीने के बाद हम जानते हैं अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो औरत की इद्दत क्या है? 4 महीने 10 दिन। 4 महीने 10 दिन, क्योंकि इस मुद्दत में मालूम हो जाएगा कि रहम में बच्चा है कि नहीं। उसकी ताकीद के लिए इस्लाम ने कहा इद्दत। इद्दत है ना गैर मामूली चीज है, इसमें गैर मामूली हिकमत है। बाज लोग समझते हैं कि मैं खामोखा खामोश बैठे हम जाके शादी कर ले तो फिर किसका बच्चा है किसको मालूम है ना। अब ये जो मरहला दिया गया इसमें मालूम हो जाएगा कि रहम में बच्चा है कि नहीं। तो ये 4 महीने 10 दिन के मरहले में मालूम हो जाएगा कि बच्चा है कि नहीं है, बच्चा है कि नहीं है, अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा। अब इसमें जो 10 दिन की इजाफत है, 4 महीने के साथ जो 10 दिन की इजाफत है, इस ताल्लुक से अहले इल्म ने कहा इस 10 दिन में रूह फूंकी जाती है। इस 10 दिन में रूह फूकी जाती है। बाज रिवायतों में इसका भी जिक्र आया है कि इसके बाद जब 40 दिन गुजर जाते हैं, यानी 120 दिन के बाद और मजीद 40 दिन जब गुजर जाते हैं तो उसके बाद रूह फूकी जाती है। तो 160 दिन हुआ 5 महीने के बाद। ऐसी बाज रिवायतें आई। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो फीटस है मुख्तलिफ होता है और हदीसों में इसी से हमको यही बात मालूम होती है कि हर आदमी के लिए एक नहीं होता है ना, जिस्मानी एतबार से और उसके बाद आदमी के जिस्मानी एतबार से औरत के जिस्मानी एतबार से इसमें तब्दीलियां आती हैं। इसीलिए हदीसें और आसार भी मुख्तलिफ हैं। बहरहाल ये 10 दिन में रूह फूंकी जाती है, इसीलिए 10 दिन का इजाफा हुआ। तो रूह फूंकने के बाद हो जाता है इंसान। इससे पहले वो सिर्फ एक गोश्त का लोथड़ा था, इससे पहले गोश्त का लोथड़ा था, अब वो बन गया इंसान, अब वो बन जाता है इंसान। इसीलिए अगर 4 महीने के बाद बच्चा गिर जाए और जो गिरा हुआ बच्चा आप देखेंगे तो उसमें बाकायदा वो इंसान की शक्ल में है तो हम उसे इंसान मानेंगे, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और उसे कफनाएंगे, दफनाएंगे और उसके लिए अकीका करेंगे और उसे हम इंसान मानेंगे। अगर 4 महीने से पहले गिर जाए तो सिर्फ गोश्त का टुकड़ा है, वो इंसान नहीं, उसे ऐसे ही दफना दिया जाएगा, ना नमाज पढ़ेंगे, ना कफनाएंगे, ना दफनाएंगे। तो ये 4 महीने के बाद इंसान बन जाता है और उस लोथड़े को हम देखेंगे कि ये इसके अंदर इस इंसान का शक्ल है कि नहीं, हाथ पैर है कि नहीं, आंखें हैं कि नहीं, मुकम्मल उसकी खिलकत है कि नहीं, है तो इंसान है, नहीं है तो हम हो सकता है कि इसे गैर मुअल्लक़ा शुमार करके इसे ऐसे ही दफन कर लें। वल्लाहु आलम। अब इसमें आप ये समझेंगे कि भाई इसमें क्या है, ऐसे ऐसे मसाइल तस्वर नहीं कर सकता, इससे मुतालिक 4 महीने के पहले 4 महीने के बाद ऐसे ऐसे मसाइल मुतालिक हैं, गैर मामूली मसाइल। आपने दूसरी हदीस की इख्तिताब पर सुना कि उम्मुल वलद का मसला है, लौंडी अगर बच्चा जन्म देती है तो होती क्या है, वो उम्मुल वलद हो जाती है। उम्मुल वलद हो गई तो क्या माना, उसे आका बेच नहीं सकता, उसी के घर में रहेगी, कोई बेच नहीं सकते, और आका के मरने के बाद वो रिहाशुदा हो जाएगी, उम्मुल वलद कहते हैं। अगर किसी लौंडी ने 4 महीने से पहले जन्म दिया, अगर वो बच्चा नहीं था तो उम्मुल वलद नहीं होती, अगर 4 महीने के बाद जन्मती है तो क्या बन जाती है, उम्मुल वलद बन जाती है, तो उसे उम्मुल वलद के मसाइल मुताल्लिक़ इसी मीरास में जाएंगे तो बेशुमार मसाइल से मुताल्लिक़। तो अजीज दोस्तों ये है इसका मसला। तो उसके बाद कहा गया वयुअमरु बिअर्बा'i कलिमात, 4 चीजें लिखी जाती है, 4 चीजें लिखी जाती है। सबसे पहली चीज कितना इसके लिए रिज्क है। रिज्क से मुराद दोनों रिज्क, एक जिस्मानी रिज्क, एक अकली रिज्क। जिस्मानी रिज्क में कितना खाएगा, कितना कमाएगा, क्या करेगा, और अकली रिज्क में इसे कितना ईमान होगा, कितना अकल होगा, कितना इल्म होगा। रिज्क अता को कहते हैं, देने को कहते हैं। रिज्क का माना हमेशा खाना नहीं होता, रिज्क का माना आपका जो है खाना और आपका इल्म, आपकी हिदायत, आपका ईमान, सब इसमें दाखिल है। तो क्या आपको रिस्क मिलेगा, यह फैसला हो जाएगा बिकत रिस्की व अजली ही, कि कितनी मुद्दत तक जिंदा रहेगा, इसकी 60 साल है या फिर 100 साल है या फिर पैदा होती वफात पा जाएगा, यहाँ फैसला पाता बिकत रिस्की ही व अजली व अमली, और इसका अमल क्या होगा, ये नेक होगा कि बद होगा, अमल कैसे करेगा, अमल का पाबंद होगा कि नहीं होगा, ये तीसरी चीज। चौथी चीज ये अच्छा होगा कि बुरा होगा, शकीयुन औ सईदुन, अच्छा होगा कि बुरा होगा, शकी कहते हैं बुरा, सईद कहते हैं अच्छा। तो 4 चीज हो गई ना, रिस्क मुद्दत जिंदगी की, उसके बाद अमल इसका कैसा होगा, उसके बाद नेक होगा कि बद होगा। अब यहां पर आप बुनियादी सवाल कर सकते हैं कि अमल और नेक होना बद होना दोनों जुड़े हुए हैं, अमल होना और नेक होना बद होना दोनों तो एक ही नजर आते हैं, वही तो इस हदीस में बताई गई बात, उसी के लिए हदीस है। आदमी का अमल एक होगा लेकिन उसका इख्तिताम अलग होगा, अमल एक होगा इख्तिताम अलग होगा। इसी को समझाने के लिए आगे हदीस पढ़ती है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, उसकी कसम उठाता हूं कि तुम में से एक आदमी जन्नतियों का अमल करता है, यहां तक कि उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ 1 हाथ का फासला रहता है, ज़िरा कहते हैं 1 हाथ, 1 हाथ का फासला रहता है, उतने करीब जन्नत को चले जाता है, यहां तक कि तकदीर आगे आड़ा जाती है, सबकत ली जाती है। तो ये जन्नती जन्नतियों का अमल करने वाला जहन्नमियों का अमल करता है और जहन्नम में चला जाता है, जहन्नमियों का अमल करता है और जहन्नम में चले जाता है। और एक आदमी होता है जो जहन्नमियों का अमल करता है, यहां तक कि इसके और जहन्नम के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होता है और तकदीर आड़ आ जाती है, और ये जहन्नमियों का अमल करने वाला जन्नतियों का अमल करता है और जन्नत में चला जाता है। यानी जन्नतियों का अमल है जहन्नम में चला जाएगा, जहन्नमियों का अमल है जन्नत में चला जाएगा। अमल एक है और इख्तिताम एक है। तो एक आदमी का अमल एक हो सकता, नेक होना बद होना आखिरी हिस्से जिंदगी के में मालूम होगा, जिंदगी के आखिरी हिस्से में मालूम होगा कि एक आदमी अच्छा था कि बुरा था। अच्छा अमल था लेकिन आदमी नेक नहीं था, बुरा आदमी था लेकिन बुरे आमाल थे लेकिन आदमी बुरा नहीं था। फर्क है इसमें, अमल का एक होना, अच्छा होना, बुरा होना, फर्क है। जो आदमी शकी होगा उसके लिए जहन्नम है, जो आदमी सईद होगा उसके लिए जन्नत है। और कुरान ने अच्छी तरीके से फर्क किया, وَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ خَالِدِينَ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ। जो लोग बुरे होंगे वो जहन्नम में रहेंगे तवील मुद्दत तक, लंबी मुद्दत तक, हमेशा के लिए भी हो सकता है जहन्नम में रहे, जब तक अल्लाह चाहे, जब तक आसमान जमीन बाकी रहे। इल्ला माशा रब्बुक, सिवा अल्लाह जो चाहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाहता है करता है। और नेक लोगों के ताल्लुक से कहा गया कि जन्नत में रहेंगे और हमेशा जन्नत में रहेंगे जब तक कि आसमान जमीन कायम है, सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाहे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नतियों को अनगिनत अजर देता है, बेशुमार दिया देता है। तो जो लोग नेक होंगे जन्नत में जाएंगे, जो लोग बुरे होंगे जहन्नम में जाएंगे। तो इस हदीस में ये चार चीजों के ताल्लुक से कहा गया कि ये लिखा जाएगा। बास हदीसों में मालूम होता है कि फूंकना बाद में है पहले लिखना है, फूंकना बाद में है पहले लिखना है, कि पहले फूंका जाएगा बाद में लिखा जाएगा या फिर पहले लिखा जाए फूंका जाएगा बाद में लिखा जाएगा। इसमें मुख्तलिफ रिवायतें आई। अब जो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में जो बात आई है यही सही बात, पहले फूंका जाएगा बाद में लिखा जाएगा। और दूसरी हदीसों में जहां ये आया है कि पहले लिखा जाएगा, असल में वहां तरतीब बताना मकसूद नहीं है, वहां पर ऐसा होगा ये वाकया पेश आएगा ये बताना मकसूद है, ये सीक्वेंस बताना मकसूद नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि आदमी अमल करेगा इख्तिताम एक चीज पर होगा। इसीलिए बुखारी की रिवायत आई है, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अमल असल अमल क्या है वो किस पर खत्म होता है। एक है खवातीम, एक है सवाबिक, आदमी का अमल और उसका इख्तिताम, आदमी का अमल और उसका इख्तिताम। अमल भी ठीक हो और उसका इख्तिताम भी ठीक हो। जो आदमी अमल कर रहा है ये तकब्बुरी में ना पड़ जाए कि मेरा इख्तिताम भी ठीक पर होगा। जो आदमी अमल बुरा कर रहा है इतना मायूस ना हो जाए कि मैं जहन्नम हो जाऊंगा। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत आदमी को खुशखबरी देती है जो बुरा है कि भाई मायूस मत हो जा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा कबूल करने के लिए तैयार है, तो अभी भी अमल कर लेगा तो जन्नत को जा सकता है। और उन्हें यह हदीस डराती है जो तकब्बुर में पड़े हुए, मैं तो नेक अमल करता हूं, मैं मुवाहिद हूं, मैं मेरे चेहरे में दाढ़ी है, मैं अमल करता हूं। और जो अमल नहीं करते उन्हें हकीर समझना, जिनके चेहरे में दाढ़ी नहीं उन्हें हकीर समझना, सुन्नत की पैरवी नहीं करते उन्हें हकीर समझना, ये मोमिनीन का शेवा नहीं। आप अमल कर रहे हैं अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन दूसरों को हकीर समझना ये काम आपका नहीं है। हो सकता है कि आदमी बदल जाए, अल्लाह के हाथ में है। जैसे बात हदीस में आता है कि कुलूब इन कुलूब बनी आदम बैन उसबुअैन मिन असाबिअ रहमान, बंदों के दिल अल्लाह के उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान है, जैसे चाहे अल्लाह रब्बुल इज्जत फेर दे। और नबी साहब की मशहूर दुआ है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला ताअतिक, ऐ अल्लाह जो दिलों को फेरने वाले हो मेरे दिल को तेरे ताअत की तरफ फेर ले, तेरी इत्तिबा की तरफ फेर ले। ऐ अल्लाह जो दिलों को फेरने वाला है, ऐ अल्लाह मेरे दिल को दीन में साबित रख, अमल में साबित रख। आप साहब की दुआ। और हिदायत पर आदमी कब रहेगा, कब हिदायत छूट जाएगी मालूम नहीं। इसीलिए हमें सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है क्योंकि उसमें हम हिदायत मानते हैं इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधी रास्ता दिखा, क्योंकि आज आप हैं, हो सकता है कल ना होगा, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह हिफाज़त करे। तो इख्तिताम बहुत जरूरी है, उसी तरीके से अमल भी बहुत जरूरी है। जैसे इख्तिताम बहुत जरूरी है वैसे अमल भी बहुत जरूरी है। एक आदमी अमल छोड़कर ये ना समझे कि मैं इख्तिताम अच्छा हो जाएगा, इसको पता। एक आदमी जो बुरा है ये ना समझे कि मैं इसी हालत में चला जाऊंगा, उम्मीद रखें कि हो सकता है कि मरने के करीब आदमी आकर बदल जाए। अल्लाह ने लोगों के लिए दरवाजे खोल रखा। और उसके बाद जैसे बुखारी की रिवायत में आता है कि फीमा अब्दुल नास, यहां पर एक आदमी सोच सकता है कि भाई कैसे अमल कर रहा है जन्नतियों का, जन्नतियों का अमल है, मरने से कबल जहन्नमियों का अमल करेगा, जन्नत में चला जाएगा, जहन्नम में चला जाएगा, ये कैसे भाई? इसमें तो बेइंसाफी नजर आती है ना। पूरी जिंदगी 60 साल 70 साल इसने नेकोकारों की जिंदगी गुजारी, अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, हज किए, रोजा किए, सदका किया, सब कुछ किया, और आखिरी एक दिन में या फिर एक पहर में गलती की जहन्नम में चला गया, ये तो बेइंसाफी नजर आती है। और इस हदीस की तशरीह बुखारी करती, बुखारी की रिवायत है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नतियों का अमल करता है, लेकिन फीमा यबदुल नास, जन्नतियों का अमल करता है जैसे लोगों को नजर आता है। और दिल के अंदर एक कबाहत थी, दिल के अंदर एक दसीसा था, गहरा वो कबाहत, खुब्स है ना, वो था दिल में, लोगों को दिखाने के लिए ऐसे कर रहा, लेकिन दिल में तो छुपी हुई चीज। अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों के भेद को जानता है। वो जैसे लोगों को धोखा देना चाहा कि भाई अंदर से है सब कुछ, लेकिन बाहर से नेकोकार, बाहर से मुवाहिदीन का लिबास, बाहर से मुत्तकीन का लिबास, लेकिन अंदर से फासिक और फाजिर। जैसे इसने लोगों को धोखा दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके साथ धोखा देगा। आखिरी जमाने में इसकी कबासत बाहर निकल आएगी और कुफर कर बैठेगा, जहन्नम में चला जाएगा। ऐसे कितने वाकयात हैं, ऐसे कितने वाकयात हैं, और तारीख की किताबें ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है। एक आदमी मरने के करीब आया, बड़े मुत्तकी परहेज़गार आदमी थे, मशहूर थे, लोग आए, कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ज़बान में ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं आ रहा है, और आखिरकार उसने कुफर बका और वफा पा गया। बाद में मालूम हुआ कि ये आदमी असल में शराबखोर था, शराब पिया करता था, छुप कर खूब शराब पिया करता था, लेकिन लोगों के दिल में आता तो नेकोकारों का लिबास आता है ना। तो इस वजह से बुखारी की रिवायत तशरीह करती है, फीमा अब्दुल नास, जन्नतों का अमल करेगा लेकिन लोगों को दिखाने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल की भेद को जानता है और उसके मुताबिक उसके साथ अमल किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अगर कोई आदमी इखलास से अमल करता है उसके अमाल को जाया नहीं करता। इन्नल्लाह ला युदिउ अज्र अल मुहसिनीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुहसिनीन के काम को जाया नहीं करता। अमल अल मुमिनीन, मुमिनीन के अमाल को जाया नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसाफ पसंद है, जुल्म नहीं करता। आपके 50 साल बेकार चले जाए ऐसा तो नहीं। जो आदमी धोखा देना चाहता है जाहिरी तौर पर है, उसके साथ एक सलूक किया जाएगा। उसके साथ एक आदमी हो सकता है कि उसे अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, वो नेक अमल नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ा और नेककारों का लिबास इख्तियार नहीं किया, लेकिन दिल तो अच्छा था। ऐसे कई लोग हैं, दिल तो अच्छा था, बहुत अच्छा दिल था उसका, और तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी अच्छाई की वजह से मरने से पहले उसे मोहलत दे दी, तो ईमान में आकर जन्नत चला गया। ऐसे सहाबा हम देखते हैं। एक सहाबी जिनका नाम अबू मुसा था, असल में मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे जंग के मैदान में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जंग के मैदान में हिदायत दी, और जिनके साथ आए उनके साथ लड़ते रहे, यहां तक के कट कर नीचे पड़े रहे जब लोग मय्यतों को उठा रहे थे, तो देखा कि जिंदा है। तो सहाबा ने पूछा कि हुसैन ये क्या हालत है, तुम हमारे लोगों के साथ मरे पड़े हो? तो कहा कि मैं इस्लाम ला चुका हूं, और ये कहते रहे, वफात पा गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास बात आई तो कहा कि मुसैलिम ऐसे आदमी है जिन्होंने एक भी सजा नहीं किया लेकिन जन्नत हासिल कर लाई। पूरी जिंदगी कुफर में, कुफर के साथ आए थे, लेकिन अल्लाह ने हिदायत दे दी। हो सकता है कि हुसैन के दिल में बहुत अच्छाइयां थी जो अल्लाह बेहतर जानता है, और अच्छाइयों के बदले में अल्लाह ने ईमान दे दिया। और उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह से साबित है कि लोग एक साहब को देखकर कहने लगे कि वाह क्या अमल है, क्या जिहाद करता है, क्या दिलेर आदमी, क्या जबरदस्त इसका ईमान है। लोगों ने तारीफ की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसे मत कहो वह मिन अहलिन नार, वो आदमी जहन्नमी। एक सहाबी कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं ताज्जुब में पड़ गया, तो उस आदमी के ताक़ुब में लग गया कि देखो कि आदमी अमल क्या करता है। तो सहाबी कहते हैं कि साहब लड़ रहे थे यहां तक कि इनका हाथ कट गया तो दर्द झेल नहीं पाए। तो दर्द से बचने के लिए इन्होंने अपनी तलवार को उल्टी जमीन में रखी और तलवार पर अपना सीना रख के दबोच दिया और खुदकुशी कर डाली। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ कर आए, कहा या रसूल अल्लाह इन्नका रसूलुल्लाह, मैं शहादत देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल, आपने जो कहा वही हुआ, ये साहब ने खुदकुशी कर डाली। तो ये साहब जिहाद लड़ रहे थे, मुसलमानों के साथ थे, था सब कुछ, लेकिन दिल में कबाहत थी, दिल में वो बुराई थी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो बुराई का बता दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जाया नहीं करता, डरने की बात नहीं कि भाई एक हाथ है सिर्फ जन्नत के पाने के लिए, उसके बाद आदमी का अमल बदल जाए, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके दिलों में खोट था, जिनके दिल में बुराइयां थी, उनके साथ ये सुलूक किया जाएगा, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत रहम व करम करने वाला है। इसीलिए ये हदीस में हम देखते हैं कि आदमी की हालत बड़ी क्रिटिकल है, ठीक है, अच्छा रहता है बुरा होगा, बुरा रहता है अच्छा होगा। इसीलिए सलफ़ सालेहीन के ताल्लुक से आता है कि वो खवातीन को लेकर बहुत परेशान होते थे। खवातीन यानी आखिरी आमाल, अपने जिंदगी के आखिरी आमाल को लेकर परेशान होते थे। जैसे मालिक बिन दिनार रहमहुल्लाह के ताल्लुक से आता है, वो जब भी नमाज के लिए खड़े होते अपनी दाढ़ी पकड़ लेते, कहते ऐ अल्लाह तू जानता है जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा, ऐ अल्लाह मेरा मकान कहाँ है, मैं कहाँ जाने वाला हूँ। मालिक बिन दिनार बहुत बड़े इमाम गुजरे। तो ऐसे अजीज दोस्तों, बड़े बड़े लोग, नेक लोग, ये अमाल आखिरी अमाल कैसे होंगे इस ताल्लुक से परेशान रहते हैं। जब अगर कोई आदमी अच्छे अमाल पर इख्तिताम होता है तो गुजरे हुए अमाल को लेकर परेशान हो जाता है। तो मोमिन ऐसे ही होता है, मोमिन मुतमईन नहीं होता कि मैंने पूरा हो गया, ऐसे दुनिया में नहीं होता। इत्मीनान तो जन्नत में है। आप नेक हो ठीक बात है, लेकिन इस इलाज को बाकी रखिए, ये परेशानी तो आपको झेलनी है। ये हालत मोमिन की होती है। इसीलिए कोई आदमी गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि मैं जन्नती। वो आदमी अमल करेगा और अमल पर उसका इख्तिताम होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। इसीलिए मैंने आपको कल की मजलिस में हदीस सुनाई जो अबू दाऊद वगैरह की है कि आप साथ एक मरतबा आए, आप साथ बस दो किताबें थी, एक जन्नतियों का लिस्ट, दूसरी में जहन्नमियों का लिस्ट। आप साथ ने कहा कि किताब जिसमें जन्नतियों के नाम है, उनके वालिदैन के नाम है, उनके कबाइल के नाम है, उनके कबाइल के नाम है, और दूसरी किताब दिखाई, कहा कि जहन्नमियों के नाम है, उनके आबा के नाम है, उनके कबाइल के नाम है। उसके बाद आप ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से लिख दिया। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर ऐसा ही मामला है तो अमल क्यों करें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सद्दीदू व क़ारिबू व अमलू कुल्लुन यसर अल्लाह व अमलू, जितना हो सके अमल करो, जितना हो सके कोशिश करो, तुम जो अमल करोगे वही करोगे जो तुम्हारे लिए आसान कर दिया गया। हम देखते हैं सुभान अल्लाह, एक आदमी उसके लिए नमाज पढ़ना कोई परेशानी नहीं, सब कुछ कर सकता है, सुबह उठ के जिम जा सकता है, पूरे दुनिया का अमल, नमाज नहीं पढ़ता। अरे भाई नमाज पढ़ने में तुझे दिक्कत कहाँ है, उसे खुद नहीं मालूम। माना ये कि अल्लाह ने जन्नतियों का अमल उसके लिए आसान नहीं किया है, जन्नतियों का अमल अल्लाह ने उसके लिए आसान नहीं किया। तो जब आदमी अमल करता है जो अमल उसके लिए आसान होते हैं, ये देखकर इत्मीनान पैदा कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नतियों के रास्ते में चलता हूँ। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह मुझे जन्नतियों के रास्ते पर ही मेरा इख्तिताम हो। यही तरीका, यही मनहज, इसी पर हमको चलना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक उस हदीस में कहा फरग रब्बुना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिख दिया, फरग मिनल इबाद, जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, जन्नत में भी लोग होंगे, जहन्नम में भी लोग होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे लिख दिया। आप शासन में करेंगे। तो आदमी जब अमल करता है और जिस अमल में चल रहा है, ये अमल उसे खुशखबरी सुनाती है कि देखो भाई जन्नतियों के रास्ते में चल रहे हो, अब अल्लाह से दुआ करो कि इसी हालत में खत्म। जो आदमी जहन्नम के राह में चल रहा है वो डेंजर में है। तो देखो इसी हालत में तुम्हारा इख्तिताम हो गया, पता नहीं जिंदगी कब खत्म होगी। इसीलिए अपने लोगों के रास्ते में आ जाओ, जन्नतियों के रास्ते में आ जाओ, आओ हलाल हराम में तफरीक करो, आओ चलो नेक काम करो। जब तक आप नेक काम करते रहेंगे तो इत्मीनान है कि भाई सही रास्ते में चल रहा हूं। अब कोशिश करेंगे गलती ना हो, अब कोशिश करेंगे आखिरी इख्तिताम अल्लाह को राजी करते हुए हो। और अल्लाह ने कुरान में कहा अल्लाह से जैसे डरना है वैसे डरो, और तुम्हें इस हालत में मौत आए कि जब तुम मुसलमान हो। तो ये अल्लाह भी चाहता है, ये इरादा शरईया है। तो हम और आपको चाहिए कि इसी में कोशिश करते हैं, यही मनहज है, यही रास्ता, इसी में हमको चलना है। कोई आदमी बुराई में रहने वाला ये ना सोचे कि भाई इंशाल्लाह आखिरी में ठीक हो जाऊंगा, किसी पता हो सकता है कि शैतान की तरफ से हो सकता है कि मुखालता हो जाए। तो आदमी फौरन अपने रास्ते को बदले, नेकी के रास्ते में आ जाए और उस रास्ते में ठहर कर दुआ करे कि मेरा इख्तिताम अच्छा हो। तो ये अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत हमें यही चीजें बताती है। तो इस हदीस से हमें बहुत सारी बातें मालूम हुई। सबसे पहले बच्चा कैसे पैदा होता है वो मरहले हमको मालूम हुए। दूसरी बात, चार चीजें पेट में लिखी जाती, इसी को हमने पहले के दर्स में सुना। इसी को कहते हैं अल तकदीर अल उमरी, उम्र एक जिंदगी की तकदीर इसी को कहते हैं, एक आदमी फर्दी जिंदगी उमरी जिसे कहा जाता है वो इस हदीस में उसका बयान हुआ है। और इस हदीस का मॉल, इस हदीस का मगज, इस हदीस का नक्शा ये है कि देखो नेक है तो तकब्बुरी में चले जाओ, इतने मुतमईन ना हो जाओ कि तुम जरूर भी जरूर जन्नत को जाओगे। हाँ अगर बुरे हो तो मायूस मत हो जाओ, बुरा हो मायूस मत हो जाओ, अल्लाह की रहमत तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर है, जब चाहो अल्लाह के रहमत में दाखिल हो जा सकते हो। ये इस हदीस का मगज है। इंशाअल्लाह कल की मजलिस में इसके बाद की हदीस सुनने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ करते हैं हमने जो भी कहा जो भी सुनाया इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक बख्शे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं ये चाहता हूँ कि हम आइंदा हफ्ते से 9:15 बजे क्लास शुरू करें। पहले तो 9 बजे का ऐलान हुआ, फिर 9:15 ने 9:30 हो गए, है ना, जस्ट 9:45 हो जाएगी, इसीलिए हम यहाँ पर फुल स्टॉप रखना जरूरी है। 9:15 से इंशाल्लाह शुरू कर लेंगे, 9:15 बजे पहुंच जाइए इंशाल्लाह। ठीक है, इसी में अभी ठीक एक ऐलान समाप्त फरमा लें। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह व बाद। अजीज दोस्तों, प्यारे साथियों, माओ बहनों और ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तद'उ मअ अल्लाहि अहदा। अल्लाह के लिए मसाजिद है, यहाँ पर सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दूसरी आयत में कहा इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ाम अस-सलाता व आता ज़काता अल्लाह के मस्जिद की तामीर करने वाले वो होते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। इन्हीं लोगों से उम्मीद की जाती है कि ये लोग हिदायत के रास्ते में हैं। तो मस्जिद कायम करना ये मोमिनीन का शेवा है, मस्जिद के लिए जुस्तजू करना ये मोमिनीन का शेवा है। तो मरकज़ुल उलूम वल हिकम की दावत वल इरशाद से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 या फिर 5 महीने पहले ऐलान हुआ था कि एक मस्जिद लेने की कोशिश जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये कोशिश जारी है, लेकिन खुशखबरी ये है कि लगभग 70%, 65 से 70% काम हो गया है मस्जिद की जमीन की खरीदारी के लिए, और बाकी 30% है। आप हजरात से गुजारिश है कि आप बकिया ताउन पेश करें। जो हजरात पहले से ताउन दे चुके हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि और मजीद ताउन दें, आप देते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको देता रहेगा। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस कुदसी में इरशाद हुआ इब्न आदम अनफिक इन्फाक अलै, ऐ आदम के लोंडे अल्लाह के राह में इन्फाक कर, अल्लाह तुझ पर इन्फाक करते रहेगा। तो मजीद ताउन की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामों को आसान कर दिया और बड़ी तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। और ये जो बकिया हिस्सा है अगर ये काम हो जाए तो इंशाअल्लाह मस्जिद की तामीर का आगाज हो जाएगा। मैं उन तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि बात अपने दोस्त अहबाब तक पहुँचाएं, बहुत दूर तक पहुँचाएं, और जो लोग ताउन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ताउन कर दें। और मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन बना लिल्लाहि मस्जिदन वलौ कमफहस क़ता बना अल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। अगर कोई आदमी अल्लाह के लिए एक मस्जिद तामीर करता है अगरचे के चिड़िया के घोंसले के बराबरी क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बदले जन्नत में घर तामीर करता है। तो तौहीद की मस्जिदें, तौहीद की बुनियाद पर, सुन्नत की बुनियाद पर कितनी मस्जिदें हैं जो शहर मद्रास में है? शहर मद्रास में ऐसी मस्जिदें बहुत कम है। दूसरे इलाके में देखते हैं कि अच्छी खासी तादाद है मस्जिदों की, लेकिन शहर मद्रास में ऐसी मस्जिदों की तादाद कम है। और हम जहां मस्जिद बनाना चाहते हैं वहां आसपास कोई मस्जिद नहीं, कोई मस्जिद नहीं, जबकि उस रोड में 2 बड़े बड़े चर्चस हैं और मंदिरें हैं, दरगाह है, लेकिन मस्जिद नहीं। और आसपास 95%, 95% मुसलमान रहते हैं। अगर वहां पर मस्जिद बना दी जाए तो एक तारीखी काम होगा। और ये जो रोड है ये भी एक तारीखी रोड है, इस रोड में मस्जिद कायम करना एक बहुत बड़ा कारनामा है। तो मैं अहले तौहीद हजरात, मोमिनीन हजरात और मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि काम जो अभी इख्तिताम को हो रहा, पहुंच रहा है, आप हजरात मजीद इसमें जोर लगाएं, मजीद ताउन करें ताकि काम खत्म हो जाए। और इंशाल्लाह तफसीलें आपको पहुंचती रहेंगी, अपडेट्स पहुंचते रहेंगे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके ताउन को कबूल फरमाए। अगर आपने ताउन नहीं किया, उस तक बात पहुंचा दी जो ताउन कर सकता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के खजाने में कमी नहीं कि अल्लाह आपको भी वजन जो आदमी खैर की तरफ इशारा करता है गोया कि उसने खैर का काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो इन चंद बातों से मैं मेरी बात खत्म करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारी बातों को अमली जामा पहनाने की तौफीक बख्शे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे और आपके दिल में इखलास को पुरकर कर दे। व सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। सवाल ये कर रहे हैं कि इब्न उम्म अब्द किस वजह से कहा गया है? तो इनकी वालिदा उम्म अब्द के नाम से मशहूर थी, तो उनके तरफ इनकी निस्बत है, इनकी वालिदा की तरफ इनकी निस्बत की जाती है। और इसके पीछे क्या तफसील है, पूरी तफसील फिलहाल मेरे जहन में नहीं है, वरना इसके पीछे तफसील है। वल्लाहु आलम। सवाल ये कर रहे हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उम्मी मक्तूम एक सहाबी थे जो अंधे सहाबी थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए अजान दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ ग़ज़वात में उन्हें मदीने का नायब भी बनाया। बुलंद पाए सहाबी थे, अंधे थे, लेकिन जिहाद के मैदान में शहीद हुए। तो ये बल पाए सहाबी क्यों अपनी वालिदा की तरफ निस्बत इनका हुआ, ये हम कसरत से देखते हैं। अरबों के पास आमतौर पर वालिद की तरफ निस्बत करना ये उनका ट्रेंड, ये तरीका, लेकिन कभी कभार वालिदा की तरफ निस्बत हो जाती है। जैसे हम मशहूर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया खुद देख रहे हैं। इब्न तैमिया उनकी दादी थी, तैमिया उनकी दादी थी, और उनका नाम था अहमद बिन अब्दुलसलाम बिन अब्दुलहलीम, अहमद बिन अब्दुलहलीम बिन अब्दुलसलाम, ये इनका नाम है। लेकिन देखिए दादी की तरफ निस्बत होगी। कहा जाता है कि इनके दादा ये दमिश्क से आए तो तैमा रास्ते में एक इलाका पड़ता है तबूक के इलाके में, वहां पर पहुंचे तो इनकी लड़की पैदा हुई तो इसे तैमा रख दिया गया। अब ये तैमिया के नाम से मशहूर हो गई, तो इनके औलाद में जो भी आए सबको इब्न तैमिया कहा गया। तो कभी कभार ऐसे हो जाता है, माँ की तरफ निस्बत हो जाती है, मशहूर हो जाती है बात, तो ऐसे कुछ हो गया होगा। वल्लाहु आलम। मजलिस बरखास्त।